रामगढ़ में बनी भोजपुरी फिल्म वंश 18 को होगी रिलीज। माँ अम्बे भवानी फिल्म्स के बैनर तले पहली बार बनी भोजपुरी फिल्म वंश 18 अक्टूबर को बिहार झारखंड में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर रविवार को रामगढ़ स्थित राज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो विनोद कुमार सिंह, निर्देशक कासिम रजा ने बताया कि सेंसर से इसे यूए सर्टिफिकेट मिला है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें दो भाई एक ही लड़की से प्यार करते हैं। वह लड़की किसे मिलती है, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इसमें प्यार, इमोशन, ड्रामा, फाइट और आइटम क्वीन सीमा का आइटम गीत भी है। इस फिल्म के सहायक निर्देशक अर्जुन ग्रोवर और जसवीर कौर हैं। फिल्म के मुख्य किरदार विनोद कुमार सिंह, शिवा सोनकर, जया पांडे, कमरान खान ने निभाया है। वहीं सहायक कलाकार में विमल शर्मा, अरुण सिंह, पूनम देवी, राजेश सिंह, शुभांगी सिंह, जीत सोनी, विक्रम, मुन्ना ओझा आदि लोगों ने काम किया है। इस फिल्म में मोहम्मद अजीज, साधना सरगम, रूपम वर्मा सहित अन्य गायकों के मधुर आवाज से सजी गाने हैं, जिसका संगीत चिंटू मिश्रा और गप्पू अनूप पाठक ने दिया है। गीतकार धर्मेंद्र चौबे, लेखक बेलाल गुरु, पोस्ट प्रोडक्शन और DI मोहित कुमार, ड्रीम वर्ल्ड सिनेमा मुंबई, प्रोडक्शन मैनेजर परवेश टेलर हैं। मौके पर नई हिंदी फिल्म स्टैंप लग गई की घोषणा भी किया गया। इस फिल्म के बारे में प्रोड्यूसर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कुछ कलाकारों को चयन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से मराठी और हिंदी फिल्म के अभिनेता संदेश गौड़, नमिता पांडे, मोहन जोशी, जीत सोनी, अनिकेत तिवारी, शीतल सिन्हा, शिखा स्वरूप आदि लोग शामिल हैं। वहीं अन्य कलाकारों का चयन किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग अगले वर्ष बसंत पंचमी से शुरू होगी। इस संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने वहां मौजूद फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो विनोद सिंह सहित विभिन्न कलाकारों से बातचीत की है। क्या बातें हुई उनसे, हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप इस फिल्म की कुछ झलकियों को देख लें। के माध्यम से छोटा सा मेरा प्रयास है कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को पुनः लेकर के आऊं, पूरे परिवार के साथ लोग जाएं और जा कर के फिल्म देखें। जिस तरह से पहले मुझे याद है कि धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गांव, भैया दूज और इस तरह की नदिया के पार, दंगल, इस तरह की फिल्में आती थी और लोग पूरे परिवार के साथ घर से निकल कर जाते थे, बड़े बड़े बूढ़े बच्चे बच्चियाँ महिलाएँ सारे। तो मेरा प्रयास है कि फिल्म के माध्यम से मैं पुनः सभी लोगों को सिनेमा हॉल तक लेके आऊँ। ये जो फिल्म है, जैसे सर ने बताया कि हम जो पुरानी मूवीज़ नदिया के पार, वो ऐसी फिल्म थी कि हम फैमिली के साथ देखते थे। बीच में ऐसा कुछ आया कि भोजपुरी को लेकर के ऐसी बातें होने लगी कि उसमें इतनी वल्गैरिटी भरी रहती है कि हम देखते नहीं हैं या फिर प्रीफर नहीं करते भोजपुरी देखना, और फैमिली के बीच देख रहे तो एम्बेरस फील करते हैं। तो इस मूवी में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रामगढ़ जैसी छोटी जगह पर शूट हुई है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 18 तारीख को ये मूवी रिलीज़ हो रही है, आप जाएँ देखें मूवी का और अपना एक फीडबैक देखें। जो सर ने प्रयास करा है कि हम किसी तरह से हम पुरानी चीज़ों को लाकर पब्लिक में एक मैसेज देना चाहते हैं कि भोजपुरी वैसी नहीं है जैसे हम मनसा बनाकर चल रहे हैं कि नहीं गंदी फिल्में होती हैं, तो वो चीज़ लोगों की गलतफहमियाँ इस फिल्म से दूर हो जाएंगे। और सर ने कोशिश किया है तो अब पब्लिक के रिव्यू चाहिए कि कैसा है क्या है। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आज मेरे बड़े भाई साहब विनोद जी ने मुझे इतना अच्छा सम्मान और मौका दिया मुझे यहाँ आने का। इस पिक्चर से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली, इस पिक्चर से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली थी कि मैं इस पिक्चर में काम कर रहा हूँ। पहली मूवी थी मेरी कि मुझे इस पिक्चर में कुछ नॉलेज वगैरह नहीं था, इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था कि मैं कैसे क्या करूँगा नहीं करूँगा। तब बड़े भाई विनोद जी ने मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ को बताया समझाया। जिस तरह उन्होंने पिक्चर में मेरे साथ निभाया बड़े भाई का रोल, उसी तरह रियल में भी वो मेरे बड़े भाई साहब है। पहले मैं अपनी टीम को जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ में इस पिक्चर को योगदान दिया अपना,
टेक्निकल टीम, हमारे एक्टर, और सबसे बड़ी इस फिल्म की खूबी है कि हम ये पिक्चर बिल्कुल हमारे आसपास है और प्यार का क्या महत्व है इस पिक्चर में दिखाया गया, कितनी दूरी है प्यार, और जो पाला बच्चे को उसके बाद उससे उतना ही प्यार कर रहा है जितना एक खून से प्यार किया जाता है। ये पिक्चर सबसे मतलब यही है। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक फिल्म है जो हमारे आपके बीच की जो घर की जो घरेलू कहानी है उससे थोड़ी सी हट करके, और जो समाज को संदेश देने वाला ये कि अपना परिवार, घर परिवार सब कुछ कितना मायने रखता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस फिल्म में मैं हीरो के पिता का रोल कर रहा हूँ और ये पूरी तरह से एक मनोरंजक फिल्म बन रही है।